ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल व दुर्ग जिला कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर संजीव रावटे को ज्ञापन सौंपा गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का स्वागत करते हुए अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से आला अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें बताया गया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोले जाने के एवज में हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को निजी समितियों को देखकर संचालित करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को बार बार स्थानांतरण का दंड झेलना पड़ रहा है और इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जानी चाहिए और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। साथियों, हमारे छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इन स्कूलों का संचालन पंजीकृत समितियों के द्वारा किया जाएगा जो कि निजीकरण को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही इन स्कूलों का संचालन पूर्व संचालित सरकारी हिंदी माध्यम स्कूलों के भवनों पर ही किया जा रहा है, जिसके कारण उन स्कूलों की स्थिति असमंजस में है, टीचर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। हमने देखा बिलासपुर में एक पूरे स्कूल का ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में कर दिया गया और सरकार का यह भी कहना है कि इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के सफल संचालन को देखते हुए स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के 32 नए स्कूल खोले जाएंगे, जिनका संचालन इन्हीं पूर्व संचालित सरकारी स्कूलों के भवनों पर किया जाएगा। इसीलिए हमारे छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हम मांग करते हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन सरकार स्वयं करे, ना कि किसी निजी संस्था को दे। इसके लिए विशेष भवन बनाया जाए अलग से और भवनों के निर्माण होने तक इनका संचालन उसी स्कूल में दो पालियों में किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारा यह आंदोलन किया गया। मैं शुभम पांडे, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दुर्ग जिला कमेटी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।